हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, आपके पर्सन आपको लव करते हैं या यहाँ पर सिर्फ पैशन है या लस्ट है। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या तो यहाँ पर सिर्फ पैशन और लस्ट है। ठीक है, जेंडर रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमारा किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को लव करते हैं या सिर्फ ये अट्रैक्शन है। प्लीज माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन इनको लव करते हैं या ये सिर्फ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच। प्लीज माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन इनको लव करते हैं या तो ये सिर्फ अट्रैक्शन है। प्लीज माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। टेक अ डीप ब्रेथ। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती, मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं। मैंने स्टार साइंस की भी रीडिंग डाली है कल करंट फीलिंग्स पे आपके और आपके पर्सन की, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है उनके दिल में। अपने पर्सन के बारे में सोचें। ठीक है, आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है उनके दिल में। टेन ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, दी हैंगमैन। ये रिलेशनशिप स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पर्सन को आपसे वो चाहते क्या हैं। पेज ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी में रहते हैं, पेजेस की एनर्जी में रहते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पर्सन को कुछ सॉलिड आपसे चाहिए भी या नहीं, या इस बात की क्लैरिटी आपको नहीं है। टेन ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन के साथ चाहते हैं टेन ऑफ कप्स। यहाँ पे है टेन ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स, आप एक बिगनिंग करना चाहते हैं। हर्मिट, आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में हैं, और आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हुए हुए हैं। बिगनिंग आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको जिस पॉइंट पे थोड़ी बहुत एक कन्वर्सेशन की ज़रूरत रही आपके पर्सन ने वो प्रोवाइड करी है। अदरवाइज इस रिलेशनशिप का जितना भी बर्डन है वो आप पे रहा है। ये रिलेशनशिप से आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिली, आपके पर्सन ने आपको बताया ही नहीं वो उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, आप स्टक पॉइंट पे रहे ना, आपको ये पता है, आपको क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की तरफ से, ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, आपसे किस वे में कनेक्टेड है। इट मीन्स ये फ्रेंडशिप लेवल पे रहा, आपने शायद बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन ये अपने मैसेजेस से जाहिर कराओ कि आप इस पर्सन को पसंद करते हैं। आपके पर्सन एक फ्लर्ट एंड फन करने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करा है आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में। आप चाहते हैं कंप्लीशन, आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट, एक फैमिली देखते हैं आप इस पर्सन के साथ। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक फूक फूक कर कदम रखने वाला है। ये वैसे आपको बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश लगेगा, बहुत ज़्यादा वैसा लगेगा, लेकिन कमिटमेंट फोबिक है ये पर्सन। आपको चाहिए डे वन से कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मेरे व्यूअर के पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। प्लीज माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। प्लीज माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। किंग ऑफ कॉइन, एट ऑफ कॉइन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा गोल्स हैं आपके पर्सन के, जिसको आपके पर्सन अचीव करना चाहते हैं। दी डेविल, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ कप, लेकिन आपके पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं और आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में लव है, ठीक है, लस्ट नहीं है, लव है। दी डेविल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, तो अट्रैक्शन बेहद होती है, बला की होती है, लेकिन वो आपके साथ, इट मींस आपके पर्सन कुछ ऐसे वाले, मैंने फ्लर्ट एंड फन पहले ही बोला, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। आपको कभी कहा होगा कि जैसे अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता तो वो आपके साथ कहीं बाहर कॉफ़ी पे, चाय पे, कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं आपके साथ।
आपके साथ अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वर्क हो, इसमें वर्क करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उनका कैरियर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो तभी वो इस ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं अगर खिला सको उस पर्सन के साथ आगे बढ़ो। इट मीन्स अगर आप मैरिज लाइफ को चला सकते हो, आगे आगे पूरी फैमिली को चला सकते हो अपनी, तो फिर आप शादी कर लो। इट मीन्स उनको स्टेबिलिटी चाहिए आपको कोई कमिटमेंट देने से पहले। उनको पता है आपको कमिटमेंट चाहिए, आपके पर्सन के आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल ही देखते हैं, अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, आपको बिगनिंग देना चाहते हैं, न्यू एक स्टेबल बिगनिंग देना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्साइलेशन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है पास में आपके पर्सन के पास कोई ना कोई ऑप्शंस रहे, आपके पर्सन पेज की एनर्जी में थे लेकिन अब किंग की एनर्जी में आया, आपको स्टेबिलिटी देने की एनर्जी में आया, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की एनर्जी में आया, आपके पर्सन पास में कंफ्यूज रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस भी रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरस आपके रिलेशनशिप में यू भी रही है, फूल एक बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। देखिए टेन ऑफ सोल, कोई ना कोई आप दोनों के बीच टेन टेन ऑफ फैंट, यहाँ पे कोई ना कोई एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है, आपके पर्सन इन एंड आउट करते रहे हैं, यहाँ पर एंडिंग्स भी आई हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। फूल बिगनिंग चाहते हैं, आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं आपके पर्सन, आपको एक बिगनिंग आपके साथ एक बिगनिंग चाहते हैं। अगर कोई एंडिंग आई भी है, अगर आप दोनों का ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रहा है, तो आपके पर्सन आपके साथ एक बिगनिंग चाहते हैं, उस एंडिंग को ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू लेवल पे स्टार्ट इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जिसमें स्टकनेस ना हो, जिसमें कोई डाउट ना हो, जिसमें कोई शक ना हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप अपने पर्सन के ऊपर डाउट करते हैं, ठीक है। सेकेंड ये कि आपके पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, आपकी उनको हैबिट्स, नेचर, पहनना, ओढ़ना, चलना, फिरना, हर चीज़ से आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट होते हैं। उनको पता है आप कोई एक स्टेबल पर्सन है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। प्लीज़ मैं जिस स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन को उनसे लव है या कोई अट्रैक्शन। प्लीज़ मैं जिस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन को उनसे लव है या अट्रैक्शन। इमोशनल लॉस, वो आपको नहीं खोना चाहते, अगर आप उनकी लाइफ से गए तो वो इमोशनली लॉस हो जाएंगे। अवेयरनेस, उनको अवेयर हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है या आप या 1 नंबर आपसे या आपके पार्टनर से, ठीक है। बैलेंस, वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं बैलेंस आ जाए, उनको अवेयरनेस है इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है, जितना आप वर्क करते हैं वो नहीं कर पाते। मूवमेंट एंड चॉइसेस एंड डिसीजन, मैंने पहले भी कहा आपके पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं, वो कैरियर वाइज हो सकती हैं, फैमिली वाइज हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी वाइज हो सकती है, कोई ना कोई चॉइसेस थी। देखें थ्री ऑफ कप, आपके पर्सन अगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है नो कम्युनिकेशन जोन है, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं वो इमोशनल हैं आपके लिए और आपके साथ रिकन्साइलेशन करना चाहते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मोड पर हैं, खामोश हैं। सोलर चक्रा, उनके पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं है आपके सामने आकर बहुत ज़्यादा आपसे इस रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकें, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट है जो एंड हो चुका है आप दोनों के बीच। आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की पोजीशन में रहे, कभी स्टेबिलिटी नहीं दी, इट मींस ब्रेड क्रम्स ज़्यादा दिए, स्टकनेस पे ज़्यादा रहा। ये रिलेशनशिप 4 साल पुराना, 5 साल पुराना हो सकता है, यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी जो एंडिंग पॉइंट पर आ चुकी है। यहाँ पे अब जो न्यू साइकिल बिगिन हो रही है आपके इस पर्सन के साथ, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, पर्सन आपको सोलमेट की तरह देख रहा है, एक फैमिली मेम्बर की तरह देख रहा है, आपके साथ वो फैमिली बिल्ड करना चाह रहा है इस न्यू साइकिल में, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है। यहाँ पे पहले आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एक पेजेस की एनर्जी में था, अब यहाँ पर आ रहा है आपके पर्सन एक किंग की एनर्जी में, एक वर्क पुट ऑन करने की एनर्जी में, एक डेलीकेटेड वर्क पुट ऑन करने की, एक हार्ड वर्क करने की एनर्जी में आ रहा है। आपके साथ हैंग आउट भी करना चाह रहा है, आपके साथ फ्रेंडशिप भी रखना चाह रहा है, और अपनी आपके मतलब के वो आपके अंदर एक अपना बेहतरीन दोस्त देख रहा है और आपके साथ अपनी फैमिली बिल्ड करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, आप उसको अपने सोलमेट लगते हैं, ऐसा लगता है उसको आप उसकी सोल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। रिकन्साइलेशन करना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की इस वक्त बातचीत नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। अवेयरनेस आ रही है, इस पर्सन को यहाँ पर बैलेंस लाना पड़ेगा अपनी चॉइसेस में से, तो हर
हर चीज़ वो एक दफ़ा में नहीं कर सकता, कुछ चूज़ उसने पहले कर लिया था, तो अब यहाँ पे चॉइस में से चूज़ करने की बारी आपकी है, ठीक है। इट मीन्स अब आपको चूज़ करना चाह रहा है ये पर्सन अपनी चॉइसेस में से। ऐसा हो सकता है इसके पास ऑप्शन हो, सफरिंग इन साइलेंस में फैमिली किसी ना किसी को इसको बार बार दिखा रही हो, तो ये अपनी चॉइस उनको बताना चाहता है, ठीक है। ये आपको चूज़ कर रहा है इस वक्त, ठीक है। ये काफ़ी टाइम ये रिलेशनशिप स्टक रहा है, आपको रिलीफ देना चाहता है, स्टकनेस से बाहर निकालना चाहता है, जो आप मेंटली स्टक रहे हैं इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सोलर चक्र, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश में, अपनी फैमिली के सामने बात करने की कोशिश में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मोड पर है। आपको ऐसा हो सकता है आप दोनों का कांटेक्ट ना हो, आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जैसे पास्ट में आप वक्तन फ़ावक्तन कनेक्ट हो जाया करते थे, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस रिलेशनशिप को एक साइकिल को एंडिंग दी है। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस रिलेशनशिप को एक एंड पॉइंट दिया है, एक एंडिंग दी है। न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, जो आपकी लाइफ में एक सोलमेट साइकिल होगी, एक स्पिरिचुअल साइकिल होगी, जो आपने पास्ट में लेसन सीख के आपको इधर यहाँ पर उन लेसन से सीख कर वर्क करना है। जो आप जिस पर्सन ने आपको जो पास्ट में सिखाया, बहुत ज़्यादा झुकने वाला इंसान हमेशा पिसता है, और इस पर्सन को आपने हमेशा झुक झुक कर आप देते रहे हैं, प्रोवाइड करते रहे हैं, और ये सिर्फ लेता रहा है। बैलेंस लाएं, जब तक ये पर्सन आपको बैलेंस ना दे इसके साथ आप बिगनिंग नहीं करेंगे। आपके लिए भी आप अवेयर हो जाएं इसकी सिचुएशन से, इसकी थिंकिंग से। अगर ये लेना शुरू करता है तो सिर्फ लेता ही रहता है, इसके साथ जब ये सेम पिच पे आए तब आप इसके साथ कोई भी चीज़ आगे बढ़ाएं, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आपके पर्सन के अंदर आपके लिए लव है, कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन तो है, पैशन तो है, लेकिन लव है, स्टेबिलिटी देने की ख्वाहिश है, आपके साथ मैरिज करने की ख्वाहिश है, जो पास्ट में नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे लव है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।